अरे यार, मुझे लगा ही था इसमें ही गड़बड़े। ये हैंडल का है ना, ऑयलिंग करवाना होगा यार। पूरी मेरी बुलेट खराब हो गई है। कोई बात नहीं गाइस, चलो यार, बुलेट तो बुलेट है, 1 साल हो गए, बहुत पुरानी बुलेट है, तो इसको सर्विसिंग के लिए देना पड़ेगा। अभी अभी मार्केट में गया था ना, वहाँ पे भी मेरी भी बहुत बेइज्जती हो गई। इसका जो इंजिन है ना, बहुत साउंड कर रहा है, और ऊपर से यार टायर भी पंक्चर हो गया। कोई बात नहीं, इसको बाद में सर्विसिंग के लिए दे ही दूंगा। शिनचैन शिनचैन, अरे भाई मुझे मरवा देता, अचानक से सामने आ गया, डर गया ना। तड़ी क्या पागल समझ के रखा है, मैं डर गया? आपने मुझसे क्या वादा किया था? आप मुझे ये आपकी खटर कार है ना, इसके अंदर घुमाने के लिए लेके जाऊंगे, भूल गए? क्या मैंने वादा किया था? ऐसा किया था क्या? याद आ गया। सॉरी शिनचैन, थोड़ा सा लेट हो गया है। अभी जाए तो चलेगा ना, बहुत देर तो नहीं हुई। और पूछ, चलो चलते हैं। हाँ तो चल, वैसे भी तेरी आज छुट्टी है, तो तुझे मैंने वादा किया है घुमाने का, चौप को मत लेके आना, चल जल्दी जल्दी बैठ। अरे यार चाबी रह गई, शिनचैन अंदर से चाबी लेके आ, गाड़ी की चाबी अंदर रह गई है। और हाँ, चौप को मत लेके आना। मेरे को वो नहीं पता, अगर उसने मुझे देख लिया तो आएगा, अगर वो यहाँ पे नहीं होगा तो नहीं आएगा। चाबी चाबी चाबी, अरे चौप ये क्या कर रहा है? अरे यार मैंने आपकी बातें सुन ली, अब मैं भी आऊंगा घूमने के लिए, आइसक्रीम खाएंगे, चलो 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 चलो, फ्रैंकलिन भैया मैं आ गया। अरे यार चौप तू भी, शिनचैन जल्दी कर, अब 1 से भले 2, 2 से भले हम लोग 3, खर्चा तो बढ़ने वाला है। अरे मैं तो चौप की आज बहुत खींचने वाला हूँ, चलो चलो चलो, चाबी चाबी चाबी, अरे बाप रे बाप, ये क्या, तुम कौन हो? स्किबिडी स्किबिडी स्किबिडी, नाम तो सुना होगा, नया जी मैन, मेरा नाम है स्किबिडी भी हैकर। तुम्हारे फ्रैंकलिन ने हमारे बहुत सारे स्किबिडी भी दोस्त को यानी जी मैन को हराया है, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खत्म करके हमारे भाइयों का बदला लूंगा। अरे क्या कहा, बदला लोगे? फ्रैंकलिन भैया बचाओ, ये मुझे मारने वाला है। यार पूरा का पूरा टायर पंक्चर हो गया है, लगता है पूरा टायर चेंज करना पड़ेगा। फ्रैंकलिन भैया आपने कुछ सुना? क्या चौप क्या सुना? अरे फ्रैंकलिन भैया बचाओ प्लीज। अरे फ्रैंकलिन भैया अंदर से आवाज आ रही है, शिनचैन को कुछ हो गया होगा। अरे जा रहा हूँ। अबे यार शिनचैन कहाँ पे है, क्या हो गया, शॉक वॉक लग गया? स्किबिडी टॉयलेट, ये क्या चश्मे, स्किबिडी टॉयलेट, घटिया लग रहा है ये। तुम फ्रैंकलिन हो ना? हाँ मैं ही हूँ, और वैसे तेरे जैसे जी मैन को मैंने बहुत बार हराया है, लेकिन आज ये बच्चा मेरे पास रहेगा और मैं इसको मार दूंगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आगल वागल हो गया क्या, ऐसे कैसे मारेगा, मैं हूँ ना यहाँ पे। अरे फ्रैंकलिन भैया ये मेरे पास आ रहा है, प्लीज बचाओ। शिनचैन वहाँ से भाग, ये क्या, ये काला काला क्या बन गया? ओह माय गॉड, प्लीज फ्रैंकलिन भैया बचाओ। ओ तेरे की शिट, मैं इसको कैसे बचाओ, रुक, मैं वापस जरूर आऊंगा। स्किबिडी, अब ये बच्चा मरने वाला है फ्रैंकलिन। रुक जा स्किबिडी हैकर, तुझे छोड़ूंगा नहीं। चेट चेट चेट, वो तो वहाँ पे चला गया, वो तो शहर के अंदर जा रहा है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, शहर की तरफ जाने के लिए एक ही रास्ता है। चौप चौप चौप, पूरी क्या हो गया? अरे मेरी गाड़ी कहाँ पे चली गई, अपने सर्विसिंग के लिए दी थी क्या? अबे यार, और इसका टायर पंक्चर है, अब क्या करूँ अब क्या करूँ अब क्या करूँ। फ्रैंकलिन भैया आपने अंदर एक गाड़ी छुपा के रखी है, उसको बाहर निकालो। अरे इसके बारे में तो भी भूल ही गया। हो, ये तो बहुत बढ़िया है, हम लोग जा रहे हैं क्या ड्राइविंग के लिए? बेवकूफ चौप, शिनचैन किडनैप हो गया है। अरे क्या कहा, कैसे, अभी अभी तो जिंदा था। अरे वो जी मैन आया है नया, क्या स्किबिडी हैकर बोलते अपने आप को, उसने लेके गया शिनचैन को। अब क्या होगा, अब हम उसके पीछे जाएंगे? नहीं यार चौप, उसके पीछे कैसे जा सकते, पता ही नहीं कहाँ पे चला गया है। तुम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं कैमरामैन के पास, क्या पता वो हमारी हेल्प कर दे, हमें कैमरामैन को शूट दे दे। अरे हाँ ये भी हो सकता है, चलो। अरे हम लोग कैमरामैन। अरे ये क्या हो रहा है? फ्रैंकलिन कैसे हो? अरे मुझे हेल्प चाहिए, शिनचैन किडनैप हो गया है। क्या कहा, लेकिन मैं अभी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। मैंने तुमसे मांगी भी नहीं है, कैमरामैन प्लीज कुछ तो सूट दे दो, स्किबिडी टॉयलेट नया जी मैन आया है। क्या कहा, नया जी मैन, लेकिन मेरे पास तो कोई सूट अवेलेबल ही नहीं है, मैं क्या हेल्प करूँ तुम्हारी। क्या कहा, तुम हेल्प नहीं करोगे, अभी बताता हूँ गाइस, मजा चखाता हूँ। हल गुजी 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 गुजू, अरे नहीं नहीं, हल खोल गिरा देगा कैमरामैन को। गुजी 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 गुजू, रुको 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 फ्रैंकलिन, मेरे पास है सूट, मेरे पास है सूट, रुको रुको रुको, दे रहा हूँ, बस गिराना मत, बहुत जोर से चोट लगती है। हाँ ठीक है, नहीं कर रहा गुजू गुजू गुजू। गाइस गुजू गुजू ओपन द चैट, किसी को आता है गुजू गुजू लिखना इंग्लिश में? नहीं आता है, मुझे पता है। हाँ जल्दी करो कैमरामैन। ओके 3 2
2, 1, येलो। अरे ये क्या बना दिया, ये तो हड्डियों का ढांचा है और ऊपर एक स्पीकर लगा हुआ है। ये एक स्पीकर मैंने, तुम इसे अपग्रेड कर सकती हो। ये है इसका शॉप और इससे तुम इसको पावरफुल कर सकते हो। मुझे जाने दो। यार गाइस, पावर होने का क्या ही फायदा, यहाँ पे ना कोई विलन मिल रहा है अपने को जिसको हम लोग मार के पैसे कमा सके, या कुछ अलग हो ही नहीं रहा। तुम लोग पैसे कैसे कमाएंगे? चलो यहाँ पे तो मेला लगा हुआ है, आगे जाके देखते हैं, हमें कुछ ना कुछ आइडिया तो मिल ही जाएगा। आज का दिन मेरा बहुत खराब हो गया है, ऐसा लग रहा है मैं मर जाऊँ। हैं, मर जाऊँ? ओके गाइस, ये बहुत धीरे बात कर रहा है, लेकिन मेरे पास स्पीकर और माइक दोनों है ना, तो इसकी आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही है। अरे अंकल, आप मरना क्यों चाहते हो? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं सॉल्व करता हूँ आपकी प्रॉब्लम। तो मेरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर पाओगे? क्योंकि मुझे एक बड़ा सा डीजे चाहिए। यहाँ पे मेरा आज कॉन्सर्ट होने वाला है, 15 मिनट के अंदर मेरा कॉन्सर्ट शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे क्या परफॉर्म करूँ अगर मेरे पास कोई डीजे या स्पीकर है ही नहीं? मैं क्या गाना सुनाऊं उन लोगों को? अरे इतनी ही बात है, आज मैं स्पीकर हूँ, बोलो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ? क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? हाँ नेकी और पूछ। चलो कहाँ पे स्पीकर सेट करना है? अरे तुम ऊपर क्यों चढ़ गए हो? तुम्हें यहीं पे सेट करना है स्पीकर को। शुरू हो जाओ, मैं कॉन्सर्ट शुरू करता हूँ। हैं, कोई स्टेज नहीं है? लगता है गाइस ये स्ट्रीट डांसर है। चलो स्ट्रीट आर्ट को थोड़ा सा प्रमोट करते हैं। शुरू हो जाओ। ये देखो मैंने चालू किया म्यूजिक। आ जाओ सब लोग, आ जाओ, नाचेंगे घूमेंगे गाएंगे, सारी थकावट को दूर करेंगे। नाम तो सुना होगा मेरा, सब लोग आ जाओ। गाइस थोड़ा सा बेसुरा गाता है लेकिन ठीक ठाक है। लेकिन वेट सेकंड, धीरे धीरे करके यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अरे वाह, कितना प्यारा गाता है ये, तो बहुत प्यारा गाता है। मैं तो एक काम करता हूँ, इसको आज को अपने पब में गाने के लिए लेके जाता हूँ, इसको मैं $50,000 दूंगा। ये तो आज का मेरा गाना, कैसा लगा आपको? गाइस कितने सारे चिल्ला रहे हैं, तालियां मार रहे हैं। ओहो, लगता है सबको गाना अच्छा लगा। ये तो मजा आ गया, शुक्रिया तुम्हारा, तुम्हारी वजह से मैंने इतना अच्छा कॉन्सर्ट किया। थोड़ा सब लोग हटो, तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। ये लो एडवांस $50,000 और आज मैंने जो लोकेशन दी है वहाँ पे आ जाना कॉन्सर्ट करने के लिए, ठीक है? अरे यार आज तो मेरा दिन बन गया, $50,000 एडवांस है। तुम रुको। हाँ मुझे बात कर रहे हो क्या? मैं जाऊँ, काम हो गया। ये लो $10,000 तुम्हारे लिए, तुम्हारी वजह से मेरे भाग्य खुल गए हैं। अरे कोई नहीं, ठीक है, तुम इतने प्यार से दे रहे हो तो ले ही लेता हूँ, शुक्रिया, मिलते हैं बाद में। ओहो गाइस, ये अब अपनी जान देने वाला था लेकिन हमने इसको एक नया जीवन दान दे दिया। चलो यहाँ पे कोपचे में जाते, ये खोला हमने ऑनलाइन स्टोर और गाइस 10,000 का सूट परचेज। ओहो ये तो बढ़िया है, थोड़ा सा अजीबोगरीब है लेकिन सूट, लेकिन चल जाएगा गाइस। 10,000 के मामले में आप लोग को सोने का सूट थोड़ी मिलने वाला है, इससे ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन अब पैसे कमाने के लिए कहाँ पे जाए, चलो थोड़ा सा नीचे चल के देखते। वैसे यार गाइस ये बहुत बढ़िया होटल है, मुझे यहाँ पे खाना था, लेकिन यार हम लोगों ने पूरे $10,000 के पैसे सूट में ही खर्च कर दिए। वेट अ सेकेंड, यहाँ से तो चिल्लाने की आवाज आ रही है गाइस, लगता है कोई खतरे में है। और आपको पता ही है हम लोगों को खतरा कितना पसंद है। चलो देखते हैं कहाँ से आ रही है गाइस, ये आवाज़ें तो बहुत तेजी से बढ़ रही है। चलो यहाँ पे है क्या? लगता है गाइस हम लोगों को बिल्डिंग के ऊपर चलना होगा, उसके लिए हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ओ गिर जाऊंगा, मेरी हड्डियाँ टूट जाएगी। आराम से फ्रैंकलिन, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो थोड़ा सा ऊपर चल के देखते है, आवाज़ें तो गाइस यही से आ रही थी। वेट अ सेकंड, ये क्या हो रहा है? तुम कौन हो? चोर गए के? अबे नहीं, आउच, तुम लोग मुझे मार क्यों रहे हो? आउच, इन लोगों ने ऊपर से नीचे गिरा दिया। शिट, भागो, ये बहुत खतरनाक गुंडे लगते हैं। बाप रे बाप, ये तो अपनी पूरी गैंग लेके आ गए और पुलिस भी आ गई है गाइस। शिट, लगता है यहाँ पे कोई बड़ा मामला हो रहा है, लगता है मुझे इनके बीच में जाना ही होगा। हा, हेलो अंकल, ये ले भाई, तुम लोगों ने मुझे बिल्डिंग के ऊपर से फेंक दिया। लिटरली तुम लोग कर क्या रहे हो वैसे, इन गाड़ियों के अंदर क्या है? ओए तुम हमारे साथ पंगा ले रहे हो? गाइस इनकी गाड़ी ब्लास्ट होने वाली है। बाप रे बाप, तुम्हारे भेस की आ गई। ये ले भाई, ये लोग मेरे ऊपर हमला कर दिए, लेकिन इन गाड़ियों के अंदर ऐसा क्या है भाई जिसकी वजह से गाइस ये इतनी सारी गन्स लेके आ रहे? तुम लोगों को लॉस एंजेलिस में इतनी सारी गन्स लेने का लाइसेंस किसने दिया? हाँ बेवकूफो गाइस, इनकी वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ रही है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, फटाफट इनको निपटाता हूँ। ये खा, इसके पास तो मिसाइल गन है और भाई ऑटोमेशन वाली गन्स। बाप रे बाप, बहुत तेजी से ग्रो हो रहे गाइस यहाँ पे इन लोगों की। कोई बात नहीं, ये ले फाइनल अटैक।
यहाँ पे वैसे कुछ बच्चे हैं, चलो इनको निपटाते हैं। ये खा और ये ले, ये ले। मजा आ गया, फाइनली गाइस सबको खत्म कर दिया है। चलो अभी यहाँ से चलते है। पुलिस ऑफिसर्स, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने इन सारे गुंडे को एक झटके में हराया है। तुमने ये बहादुरी का काम किया है, इसलिए इन गुंडों के ऊपर $50,000 का इनाम था, तो ये सारा इनाम तुम्हें दिया जाता है। क्या कहा, इन गुंडों के ऊपर $50,000? वैसे ये उन गाड़ियों के अंदर क्या लेके जा रहे थे? ये सारे के सारे गुंडे स्किबी डीबी टॉयलेट्स के लिए काम करते हैं, जिसका नाम है स्किबी डीबी हैकर। उन्होंने ही लॉस एंजेलिस में बड़ा हमला करने का प्लान किया था, लेकिन तुमने ये फ्लॉप कर दिया, इसीलिए $50,000 तुम्हारे। क्या कहा स्किबी डीबी हैकर, शुक्रिया पुलिस ऑफिसर, अपना ख्याल रखना और कुछ प्रॉब्लम हो तो कॉल कर देना, ठीक है? चलो चलो गाइस चलते हैं। और ये स्किबी डीबी हैकर तो गाइस फेमस हो गया है गाइस, कोई बात नहीं, चलो चलो $50,000 आ गए हैं, तो गाइस फटाफट सूट को अपग्रेड करते हैं। ये खुला शॉप और $50,000 का सूट, बाय। अरे यार ये क्या बला है भाई, ऐसा लग रहा है किसी जानवर को स्पीकर में कन्वर्ट कर दिया है। वैसे भी ये कैमरामैन, स्पीकरमैन और ये टीवी मैन, ये कौन से अच्छे दिखने वाले नमूने हैं, वो भी घटिया ही दिखते हैं। चलो यहाँ से चलते। आउच 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 आउच, अरे ये किसके घर में आ गया? अरे आंटी सॉरी। अरे क्या लुटेरा? अरे लुटेरा नहीं हूँ, जा रहा हूँ। शक्ल इतनी घटिया है क्या? अरे यार भूख लगी थी, हॉट डॉग मांगा तो यार भगा दिया, मुफ्त में मांगा था यार, कोई बात नहीं। चलो अभी यहाँ से चलते हैं। वेट, यहाँ पे क्या पोस्टर लगा है? एक रैम्प चैलेंज होने वाला है जिसका प्राइस पूल $1,00,000 है, और ये वाली लोकेशन तो बहुत दूर भी नहीं है। तो चलो चलो चलो, फाइनली हम लोग पहुँच गए। हेलो, मुझे अपना नाम रजिस्टर्ड करवाना है। ऐसी बात है, ओके नाम रजिस्टर हो गया है, सामने जो बंदा है उसके साथ तुम्हारी रेस है, जाओ। मैं क्या कहा सामने? वेट अ सेकंड, ये कौन है? नाम तो सुना होगा, स्किबी डीबी साइंटिस्ट, अब चलो। अरे लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो गई? मैंने तो कहा था स्टार्ट है। क्या कहा स्टार्ट है? अरे गाइस वो स्किबी डीबी साइंटिस्ट भाग गया, जल्दी जल्दी जल्दी, हमें कैसे वैसे करके उसको पकड़ना होगा। और हाँ हम लोग भूल ही गए, हमें शिनचैन को भी तो बचाना है। आउच आउच आउच, ये ज्यादा दूर नहीं गया स्किबी डीबी साइंटिस्ट, तू बहुत दूर नहीं जा सकता। वेट अ सेकंड, यहाँ पे ये सारी चीजें किसने रख दी है यार? कोई बात नहीं गाइस, वेल डन, हम लोग इसको पार कर सकते हैं, अभी तक तो इजीली पार कर दिया। और ये विंड मिल बीच में नहीं आना चाहिए, और ये बीच में आ रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, वो बच गया सीधा इसके अंदर। गिरना नहीं। आउच, मेरी गाड़ी चली गई। अरे अरे अरे, बाप रे बाप। आउच आउच, मेरी गाड़ी कहाँ पे चली गई? अब ये वाला मैं ही जीतूंगा। वेट अ सेकंड गाइस, ये क्या बला है यार, ये कौन सा हथियार है? ओके गाइस, आउच आउच आउच, बाप रे बाप, साइंटिस्ट तेरी वजह से मैं यहाँ पे गिर गया, लेकिन वो चीज क्या थी? अरे क्या पागल हो गया है गाइस, चलो टेक ऑफ करते हैं। ये तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो यार इजी करने के लिए हम लोग थोड़ा सा गाना गाते हैं, लेकिन गाना भी तो मुझे आता नहीं है। कोई बात नहीं, चलो थोड़ा सा बूस्टर मारा, लेकिन वो पीछे से आ रहा है क्या? आ रहा है, भागो। फाइनली मैं पहुंचने वाला है। अरे ये क्या चीटिंग कर रहा है गाइस, स्किबी डीबी तू मेरे हेलीकॉप्टर में आया था। अबे साइंटिस्ट की ऐसी कितनी। ओके गाइस मुझे इसके ऊपर जाना है, आराम से, ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन इजी था। चलो गाइस, ये बहुत आगे चला गया है, कोई बात नहीं, ये बीच में इतनी सारी चीज है, किसने रख दी जिसकी वजह से मेरा बैलेंस जा रहा है, और ऊपर से वो स्किबी डीबी आगे चला गया है। कोई बात नहीं, स्किबी डीबी टॉयलेट मैं तुझे हरा के रहूंगा, चलो हट जा। ये हुई ना बात गाइस, हम लोग जीतने ही वाले। अरे रुक जा, भाग कर रहा है बेवकूफ। आउच, यही मौका है आगे जाने का, लेट्स गो। ओके गाइस फाइनली ये आखिरी टास्क होने वाला है, चलो आराम से पहुंचा मैं। ओके। अरे ये बीच में इतनी सारी स्पीड ब्रेकर कहां से आ रहे हैं? ओके आराम से गाइस, हम लोगों ने वैसे भी इसको पीछे छोड़ दिया है, वो आ तो नहीं रहा ना। अरे ये क्या हो गया, अरे वो आगे किसे चला गया, अरे मेरे को हार रही है। चिट, यही मौका आगे जाने का। कैसा लगा मेरा स्वाद? तेरा स्वाद बहुत घटिया लगा, हट बेवकूफ। चलो गाइस मैं आगे निकल गया हूँ, यही मौका है, लेट्स गो। आउच आउच आउच, क्या मैंने कंप्लीट कर दिया, वो रही मेरी ट्रॉफी, यस मैंने कर दिखाया। और गाइस मेरे अकाउंट में पैसे भी आ गए $5,00,000। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
क्या? अरे वो तो क्या तेजी से भाग गया, मेरे को इसको खत्म करना था, लेकिन कोई बात नहीं, ये खुला गाइस हमने शॉप और 5 लाख का सूट बाय। ओहो गाइस ये तो बहुत ऑसम है, ये तो भाई डॉल्बी बेस्ट स्पीकर मैन लग रहा है, और ऊपर से थोड़ा थोड़ा स्पाइडरमैन की भी तरह लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो 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 चलते चलते ये वाली गाड़ी भी चुरा लेते हैं, लेट्स गो। अब ये कॉल किसका आ रहा है बीच में? अरे कैमरामैन क्या हो गया? फ्रैंकलिन तुम हो कहाँ पे? एक बड़ी गड़बड़ हो गई है, स्किबिडी बी साइंटिस्ट अपनी सेना लॉन्च करने वाला है, तुम्हें जल्दी जल्दी उस सेना को रोकना होगा, एक रोबोटिक सेना जो कि शहर में इंसानों को खत्म करने के लिए बनाई गई है, तुम कहाँ पे हो? मैं शहर के पास ही हूँ। तो एक काम करो एयरपोर्ट के ऊपर जाओ, एयरपोर्ट के ऊपर उसने सेना लॉन्च कर दी है, तबाही मचने वाली है, जल्दी करो। ऐसी बात है क्या? ठीक है कैमरामैन मैं जा रहा हूँ। चलो 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 गाइस एयरपोर्ट की तरफ जाने के लिए रास्ता यहीं से है, चलो बूस्ट बढ़ाते हैं, लेट्स गो। अब तुम सबको मैं एक्टिवेट करने जा रहा हूँ, और तुम्हें क्या करना है पता है ना? पूरे शहर में जाके बर्बादी करनी है। लेकिन मेरे होते हुए नहीं। क्या कौन? तुम यहाँ पे फिर से? हाँ सही कहा, मैं यहाँ पे तुम्हारा ये प्लान फ्लॉप करने आया हूँ। बाप रे बाप गाइस इसने तो यहाँ पे रोबोट की सेना लगा दी है, इतने सारे रोबोट्स। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे कहाँ पे भाग रही हो, अपने रोबोट्स तो लेके जाओ। रोबोट्स वो तो तुम्हारे लिए रखे हैं। बाप रे बाप बाप रे बाप बाप रे बाप। नहीं 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 नहीं, ये तो हमला करने लगे। शिट 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 शिट। और मुझे वो डॉक्टर को भी रोकना होगा, उसको भी खत्म करना है, क्या करूँ? मेरे पास एक आइडिया है। और क्या आइडिया होगा? खत्म करते इन लोगों को मार के। चलो सारे के सारे रोबोट्स, तुम्हारी तो आज है ना शामत आई है कि तुम्हारा पंगा मेरे साथ पड़ा है भाई स्पीकर मैन। अरे मैं तो भूल ही गया गाइस, दिन के चक्कर में शिनचैन को मुझे बचाना है। तुम्हारी ऐसी की तैसी। रुको ये खाओ। ओहो गाइस गोल करने में बहुत मजा आ रहा है। एक और बार 3, 2, 1 ये गोल। अरे यार ये तो ऐसे मानी नहीं रही गाइस, इनको मजा चकना होगा। ये लो। ओके गाइस मेरे पास ये अंदरूनी शक्तियां है, और इससे हम लोग इनका काम तमाम कर सकते हैं। ये खा। ओ गाइस ग्रैब कर दिया इसको। क्या उड़ गया है। अबे 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 ऊपर कहां पे जा रहे हो, ऊपर कहां पे जा रहे हो, मुझसे नहीं बच सकते हैं। ये ले। ओ ये ले। गाइस ये तो यहां पे ही गोल गोल घूम रहे हैं, यहां पे कोई चक्कर है क्या? कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब इनको निपटा नहीं होगा। रुक जाओ ऊपर कहां पे जा रहे हो। ये ले। ओहो ये तो निपट गए, अब यहाँ पे कुछ बचे, तुम भी लो लेजर। भाई मेरे पास बहुत खतरनाक लेजर है, ऊपर से मार रहा है भाई लिटरली। चलो ऊपर देखते हैं। ओके गाइस थोड़े बहुत रह गए हैं, मैं सोच रहा हूँ एक ही झटके में इनका काम तमाम करते हैं। 3, 2, 1 फाइनल अटैक। ये लो। ओहो चल गए गाइस एक और बार। ये ले। फाइनली यार सबको उड़ा दिया। अरे ये क्या हो गया, अचानक से वेदर कैसे चेंज हो गया? ये मेरी वजह से हुआ है। ये तो स्किबिडी बी साइंटिस्ट है। कहाँ पे हो तुम, बाहर आ जाओ। आउच आउच ये ऊपर से कहाँ से गिर गया? तुमने मेरा प्लान फ्लॉप कर दिया, तुम तो मरोगे। क्या कहा, मैंने फ्लॉप कर दिया? आउच 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 आउच। गाइस बहुत ताकतवर है ये, लेकिन मेरे पास उससे भी खतरनाक हथियार है। ये खा मेरा स्पेशल हथियार। ये ले। आउच आउच आउच। बाप रे बाप ये वार तो मेरे ऊपर ही उल्टा पड़ गया। अरे यार ये साइंटिस्ट लड़ाकू है या कोई साइंटिस्ट है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यार हम पे किसी से कम नहीं है, तेरी ऐसी की तेरी। ये ले। अब गाइस एक बड़ा सा अटैक करते हैं और उसका काम निपटाते हैं। इधर आजा साइंटिस्ट, अल्टीमेट पावर। ये ले। अरे इसका काम तो निपट गया भाई, इसकी तो राख राख हो गई, और वेदर भी चेंज हो चुका है। और इसको मार के गाइस मुझे $1 बिलियन मिल गए। तो गाइस ये खोला मैंने ऑनलाइन स्टोर, और 1 मिलियन का सूट परचेज। अरे अरे गाइस ये क्या बना दिया, अभी बहुत सस्ता टॉयलेट लग रहा है। चलो यार 1 मिलियन का तो 1 मिलियन का, पावर्स तो बढ़िया होगी। और गाइस ये बहुत जल्दी नहीं पड़ गया डॉक्टर, चलो अब चलते हैं। अब ये कॉल किसका आ रहा है, अननोन नंबर है? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुमने मेरे सारे सेनापति को हरा दिया है, मैं अब तुमसे सामने सामने मिलना चाहता हूँ। मेरा नाम है स्किबिडीबी हैकर, जल्दी आ जाओ नहीं तो मैं शिनचैन को मार दूंगा। पिछले वाले एयरपोर्ट के ऊपर आ जाओ। पिछले वाले एयरपोर्ट? ओ गांव के अंदर जो एयरपोर्ट है वो वाला। अरे अरे कॉल कट कर दिया इसने। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन वो स्किबिडी भी हैकर कहाँ पे? नया जी मैन, वेट अ सेकंड, वो रहा। हा, 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 हा। फाइनली तुम आ गए, ये रहा तुम्हारा बच्चा, और तुम्हारे सामने ही इसको मारूंगा। अरे फ्रैंकलिन भैया मेरे को बचाओ। बाय द वे मुझे एक बात बताओ, आप ऐसे घटिया से टॉयलेट क्यों बने हुए हो, आपको कोई दूसरा सूट नहीं मिला क्या?
शिनचैन के बच्चे चुप हो जा, मैं तुझे बचाने आया हूँ। बचा के तो दिखाओ, आ जा। अरे क्या कहा क्या कहा, अरे बाप रे बाप, लड़ाई की शुरुआत बता के करते। आउच आउच, ये तो मुझे लगता है गाइस इसके सामने मैं टिक ही नहीं पाऊंगा। मेरा ये सूट वैसे भी घटिया है, किसने 1 मिलियन के ऊपर इतना घटिया सूट रखा समझ में नहीं आ रहा है। तू इस बच्चे को बचाएगा? गाइस हम तो पीट रहे हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें इसको खत्म करना है, नए जी मैन को। अरे फ्रैंकलिन भैया, वैसे भी आप ऐसे घटिया सूट से इसको नहीं मार सकोगे। अरे पता है मुझे, पता है, चुप हो जा। अब बहुत हो गया, ये खा, ये ले। ओहो गाइस, मैंने इसको 2 पंच मारे। और ये क्या भाई, मेरे अकाउंट में 2 मिलियन डॉलर्स आ गए। अरे विदाउट वेस्ट एनी टाइम, वो अपने पास आने से पहले हम लोग अपग्रेड हो जाते। 2 मिलियन का सूट परचेस। ओहो, ये तो बहुत ऑसम लग रहा है स्पीकर मैन। इसके चारों तरफ स्पीकर है, छाती के ऊपर स्पीकर है, हाथ के अंदर स्पीकर है, पिछवाड़े पे स्पीकर है, सब जगह के ऊपर स्पीकर है। अरे मैं तो चिल मूड में आ गया, इसको तो मैं भूल गया। आ जा, तुमने मुझे पंच मारा, ये ले ये ले। आउच 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 गाइस, ये तो बहुत बड़े बड़े पत्थर फेंक रहा है, कहाँ पे गया ये? ओ नहीं 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 नहीं, लगता है मुझे इसके ऊपर हमला करना होगा। ये ले नहीं जी मैन, इसकी ऐसी की तैसी। हाँ ये ले। ये कैसे पॉसिबल है, तुम मुझे कैसे मार सकते हो? ये देख ऐसे। ओ लगता है गाइस इसको मारने के लिए मुझे ज्यादा ताकत का यूज नहीं करना पड़ेगा, दिमाग यूज करना पड़ेगा। ये वाला जी मैन थोड़ा सा संकी है। क्या कहा संकी कहा मुझे, तू तो गया। अरे फ्रैंकलिन भैया जी हाँ, ये संकी है। अब बहुत हो गया, ये ले मेरा स्पीकर अटैक। आउच, ये कहाँ पे चला गया? नहीं आई थी, मैंने अपने आउट स्पीड से इसके चितड़े चितड़े कर दिए। ये देखो गाइस इसकी मिट्टी। ओ भाई क्या मरा है। चलो शिनचैन के पास चलते हैं, पहले नॉर्मल होना पड़ेगा। चलो नॉर्मल होते हैं। ये रहा शिनचैन। अरे प्लीज मेरे को यहाँ से बाहर निकलो फ्रैंकी भैया। क्या कहा था तूने, घटिया सा सूट क्यों, अब कैसा लग रहा है अंदर रह के? अरे यार माफ कर दो, आगे से नहीं बोलूंगा। और तुम्हें घूमना भी तो जाना है ना? अरे नहीं, आगे से मेरे को किसी गाड़ी में घूमने के लिए नहीं जाना, माफ कर दो प्लीज, बचाओ। ओके गाइस चलो इसको निकालते हैं बाहर, आ जा। सो गाइस ये था आज का वीडियो, आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ इंस्टाग्राम के लिए डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी ज्वाइन और फॉलो करना मत भूलना। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।